हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज आपका जो मेज़र नंबर वन है, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 से 40 तक के जो ये क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सभी को हम लोग देख रहे हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं वो NCERT बेस्ड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और जिस तरीके के इन टॉपिक से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है इन क्वेश्चन को रखा गया है, ठीक है? लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, और नीट में पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे लास्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको वेटेज दिया गया है, ठीक है? तो 1 बाय 1 हम लोग इनकी शुरुआत करते हैं, ठीक है? आओ फिर। तो क्वेश्चन नंबर 191 जो है, इसमें देखें कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैचिंग वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 जो है उनके जो कंटेंट है उनको मैच करना है। तो शुरुआत के ये जो क्वेश्चन है वो एनिमल किंगडम से हैं, 2 क्वेश्चन को नॉन कोडेट से लिया गया है और 2 क्वेश्चन को कोडेट से लिया गया है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखें कि बुक लंग्स, तो बुक लंग्स जो हैं वो गिल्स का ही कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है, और ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट जो है, स्थलीय भाग जो है वहाँ पर श्वसन में मदद करते हैं। गिल्स जो हैं ये एक्चुअल में ऑर्थोपोड्स जो हैं उनके श्वसन से संबंधित जो संरचनाएँ हैं, अंग हैं, वो हैं, जिसमें गिल्स जो हैं वो क्रस्टेशियंस में हैं। और बुक गिल्स की बात करें तो ये लिमुलस किंग क्रेब में होते हैं बुक गिल्स, और बुक लंग्स जो होते हैं वो अरेकनिडा के मेंबर जो उनमें हैं, जैसे स्कॉर्पियन है, स्पाइडर मकड़ी है, तो इनके अंदर होता है। तो बुक लंग्स जो है ये मैच हो जाएगा स्कॉर्पियन से, ये करेकनेड है। स्कॉर्पियन के साथ जो स्पाइडर है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है, स्पाइडर मकड़ी, ठीक है? पाइला मतलब मोलस्क है, और मोलस्क से रिलेटेड यहाँ पर फीचर जो है वो है रेडुला। रेडुला जो है वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फूड के मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो हेल्प करता है। इसके अंदर जो है काइटिनियस जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में टीथ मौजूद होते हैं जो फूड के मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है? लगभग सभी जो मोलस्क हैं उसके अंदर ये रेडुला मिलता है। इसका एक्सेप्शन है कि जो पिंक टेडा है, पर्ल ऑयस्टर, उनके अंदर जो रेडुला है वो अब्सेंट होता है। तो ऐसा कहना भी गलत होगा कि सभी मोलस्क जो हैं उनके अंदर रेडुला होता है, लगभग सभी में होता है कुछ मेंबर को छोड़ करके। सी एनिमोन सिलेंट्रेट्स हैं, और ये केवल पॉलिप जो स्टेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सी एनिमोन जो है वो आपका यहाँ पर एडेमसियस जो है उससे रिलेट हो जाएगा, और पेट्रोमायोजोन जो है वो कोर्डेट जो है उसके अंदर 3 सब फाइलम आपको पता है, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिवीजन अग्निथा है उसके अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेट जो है उनसे ये रिलेटेड हो गया। तो ये एक्टोपेरासाइट है। तो आप लोग देखें कि ए के अंदर 4, बी में 1, सी में 2nd एंड डी में 3rd। तो ए में 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी में 1, सी में 2nd और डी में 3rd। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 3rd, ठीक है? तो ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड था नॉन कोर्डेट में, और अलग अलग जो फाइलम है उनको रिलेट करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक जो है वो कोर्डेट से भी लिया गया है। चले आगे। ओके, अगला जो क्वेश्चन है 92, ये भी एनिमल किंगडम से हम लोगों ने लिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड विथ फाइलम ऑर्थोपोडा, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम इस धरती पे, इस अर्थ पे, जिसके मेंबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिफिकेशन जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है जो शरीर के आंतरिक सॉफ्ट जो ऑर्गन है उनकी सुरक्षा करता है, और शरीर से ड्राई कंडीशन के अंदर जो मॉइस्चर है, वाटर है, उसके लॉस को भी ये रोकता है, इसलिए ये डाइवर्सिफाई हो पाए। इस फाइलम के अंदर कई क्लासेज हैं, तो आप लोग देखें कि जो इनका, इन सभी क्लासेज जो हैं इस फाइलम की, सब में वो फीचर जो है उसकी अगर बात करें तो वो है जॉइंटेड अपेंडेजेस, सभी के अंदर संधियुक्त अपांग पाए जाते हैं,
और इनमें काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन भी होता है। हाँ, लिम्ब्स की बात करें तो वो थ्री पेयर मतलब सिक्स भी हो सकते हैं, फोर पेयर वो एट भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेक्सापोडा ऑक्टापोडा ये होते हैं। तो सभी ऑर्थोपोड्स के मेंबर का अगर फीचर देखें तो वो है काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड अपेंडेज। अगर मैं कहूँ कि ना सभी ऑर्थोपोड्स हैं उसके अंदर थ्री पेयर लेग्स होते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो इंसेक्टा का जो फीचर है, ठीक है, क्योंकि स्पाइडर स्कॉर्पियन जो ऑक्टोपोडा होते हैं इनके अंदर आठ पेयर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमें यहाँ पर ऑर्थोपोड से रिलेटेड फीचर देखना, तो पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर है और ये जो है एनालिड्स का फीचर है। आप लोगों ने को याद होगा नेरिस जो है उसके अंदर ये पैरापोडिया होता है और पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन और गैसियस एक्सचेंज दोनों में हेल्पफुल होता है, तो पैरापोडिया नहीं होगा। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो ऑर्थोपोड्स का करेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग मान सकते हैं। आप लोग देखें जैसे उसकी लेग की बात करें तो जैसे कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, इस तरीके से देखो इनके अंदर अलग अलग जॉइंट्स बने हुए हैं और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से ये अलग अलग तरीके के पैटर्न वाली मूवमेंट को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फीचर हो गया। कॉम्प्लेट्स इनका फीचर नहीं है, कंकक पट्टिकाएं, ये टीनोफोर जो है उनका फीचर है, टीनोफोरा है ना, और टीनोफोरा में ये एट रेडियल कॉम्प्लेट्स होती हैं जो जिनके ऊपर फ्यूज सीलिया होते हैं और फंक्शन है लोकोमोशन में, वहाँ पर वो हेल्प करती है। बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनियस एंडोस्केल्टन नहीं है, इसकी जगह क्या होगा, एक्सोस्केल्टन, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थोपोड्स का जो फीचर है वो कौन सा हो जाएगा, जॉइंटेड अपेंडिजेज। अगर इसकी जगह एक्सोस्केल्टन होता तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते, ठीक है, चले आगे। ओके, 93 जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लोग देखें, ये भी एनिमल किंगडम से हम लोगों ने लिया है और आई होप आप लोगों ने सही भी किया होगा। तो 91-92 जो है उनको हम लोगों नॉन कोडेड से लिया, जैसे नीट में पीछे के सालों में जो क्वेश्चन देखे गए हैं तो दो नॉन कोडेड से और दो कोडेड से। तो कोडेड में देखें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर गलत जो स्टेटमेंट है उसको देखना है, गलत कथन को देखना है। तो देखें कि बोनीफिश हैव गिल्स कवर्ड बाई ऑपरकुलम, बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियाँ जो होती हैं उनमें जो क्लोम्स होते हैं वो प्रच्छद से ढके हुए रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये एक बोनीफिश है और जो बोनीफिश है इनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जैसे इनके गिल्स वाले जो पार्ट हैं तो उनके ऊपर जो है वो ऑपरकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है, ऑपरकुलम। और जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके अंदर ऑपरकुलम नहीं मिलता है। तो ये गलत पूछ रहा है तो ये तो सही है। फिर रेप्टाइल्स है वो थ्री चैम्बर्ड हर्ट, बिल्कुल सही है। रेप्टाइल जो होते हैं उसमें तीन कक्षीय हृदय होता है, हालांकि उसको हम लोग 3.5 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जिसके अंदर आलिंद पूर्ण रूप से बंटा हुआ होता है, लेकिन मतलब ओरिकल, लेकिन वेंट्रिकल जो है उनके बीच में हाफ सेप्टा जो बन जाते हैं, इसलिए इसको 3.5 बोलते हैं। एक्सेप्शन आपको पता है क्रोकोडाइल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ऑल साइक्लोस्टोमेट्स डू नॉट पोजेस जो एंड पेयर्ड फिन, बिल्कुल सही है कि जो जितने भी साइक्लोस्टोमेट्स के मेंबर हैं जैसे लैम्प्री है, हैगफिश है, उनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं और बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन भी नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो एक्सोस्केलेटन भी नहीं है, पेयर्ड फिन्स भी नहीं है और जो लेस हैं इनमें जो नहीं होते हैं, ये एक्टोपेरासाइट की फॉर्म में होते हैं और जो दूसरी अदर फिश होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से चिपकी हुई होती है, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर देखें, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं, कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेट, फिर सिफेलोकॉर्डेट सेकेंड सब फाइलम, तो सेकेंड सब फाइलम जो सिफेलोकॉर्डेट है उनका ये फीचर है, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से बिल्कुल उनकी टेल तक एक्सटेंड रहती है, इसलिए उनको सिफिलोकॉर्डेट कहते हैं, सिफिलोन मतलब हेड से। लेकिन यूरोकॉर्डेट की अगर हम लोग बात करें तो यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल स्टेज के अंदर ही होती है और वो भी उनकी टेल वाले पार्ट में, और अडल्ट फॉर अडल्ट जो स्टेज होगी उसके अंदर वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि यूरोकॉर्डेट जो हैं उनके अंदर रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है।
लार्वा जो है वो अडल्ट से ज़्यादा डेवलप होता है। लार्वा के अंदर टेल है, नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट्स हैं, लेकिन अडल्ट जो हैं उसमें नोटोकॉर्ड डिसअपियर, नर्व कॉर्ड डिसअपियर, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टेल भी डिसअपियर, लेकिन गिल स्लिट्स मिलते हैं। तो अडल्ट और लार्वल स्टेज दोनों में कॉमन जो है वो गिल स्लिट्स है। लार्वा जो वो लोकोमोशन कर सकता है, अडल्ट लोकोमोशन नहीं कर सकता, वो सेसाइल होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था और इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर। ठीक है, चले आगे आओ। 94 क्वेश्चन नंबर अगेन कोऑर्डिनेट जो है उनसे रिलेटेड है और देखते हैं क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और इसको कह सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब समतापी, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता नहीं है बल्कि फिक्स रहता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, है ना, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, इनका जो बॉडी टेम्परेचर वो फिक्स रहेगा, उनको बोलते हैं समतापी। और जो असमतापी होते हैं ना, उनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है या घटता जाता है। एनवायरनमेंट का 50 है उनका 50 हो जाएगा, एनवायरनमेंट का 20 है तो उनका 20 हो जाएगा, उनको बोलेंगे असमतापी। मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है असमतापी। तो देखिए कि सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूरोकोऑर्डिनेट, सेफेलोकोऑर्डिनेट और थर्ड सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर अगनेथा, गनेथा, गनेथा के अंदर सुपर क्लास स्पीसीज, सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबियन, रेप्टाइल तक जो हैं वो असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स, एव्स और जो मैमल्स हैं, पक्षी और स्तनधारी, ये जो हैं वो समतापी होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि बर्ड्स और मैमल के अलावा कौन सा है। तो देखें कि डॉल्फिन मैमल है, पेवो पिकॉक मोर बर्ड है, मैक्रोपस कंगारू मैमल है, कैलोटीज ये देखो उद्यान छिपकली ये एक रेप्टाइल है, और जो रेप्टाइल होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है ना, और उनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ। चले आगे। ओके नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच इन कॉकरोच। तो देखो कि दो क्वेश्चन नॉन कोऑर्डिनेट से ले लिए, दो क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट से हो गए। अब जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है नीट के सिलेबस में, कॉकरोच पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पीछे के सालों में एक या दो क्वेश्चन जो वहाँ पर पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉकरोच से लिया है। तो देखें कि कॉकरोच जो है वो ऑर्थोपोड्स फाइलम का मेंबर है और क्लास इंसेक्टा का सदस्य माना जाता है। तो इसके लिए जो वो रोंग मेज देखना है, तो एक्सक्रिशन जो है उसके लिए मैलपीगियन ट्यूब्यूल सही है। इनके हर्ट के अंदर 13 चैम्बर होते हैं, जो पीछे वाला क्लोज होता है और आगे की तरफ जो एंटीरियर एओटा होगा जो हेड के अंदर जाएगा, मान लो ये जो है फर्स्ट वाला है और ये मान लो लास्ट 13 वाला है, तो ये वाला एंटीरियर एओटा है जो हेड के अंदर खुलता है, और हर एक चैम्बर के अंदर ऐसे ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं जिनसे ब्लड एंट्री करता है, और ये 13 चैम्बर होते हैं। और कैसा अल्ट होता है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक अल्ट होता है। हेड की बात करें तो वो हाइपोगोनेथस होता है, जो बॉडी का जो एक्सिस है उससे 90 डिग्री के एंगल पे ये जो है वो मौजूद होता है, ये थोरेक्स वाला, ये मान लो एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, और नीचे की तरफ जो माउथ पार्ट जो वो झुके हुए रहते हैं, तो ये भी सही है। एनल स्टाइल जो है वो फीमेल में नहीं होता है, वो मेल कॉकरोच के अंदर होता है एनल स्टाइल, और वेंट्रल जो नाइन्थ स्टर्नम है उससे निकले होते हैं, और ये जो है कह सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करने वाला है। एनल सर्कस दोनों में होते हैं, एनल स्टाइल दोनों के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है ना,
तो पुच्छ सूक जो है वो मादा का नहीं है, वो नर तिलचट्टे का फीचर है, ठीक है। गुदा जो पुच्छ लोम वाला पार्ट है, सर्कस वाला पार्ट, वो दोनों में होते हैं। तो रोंग मेज था तो वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के ऊपर आते हैं, और हिस्टोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें कि कंपाउंड स्क्वेमस एपिथीलियम, मतलब बहुस्तरित सेल की उपकला की बात की जा रही है। तो कंपाउंड जो एपिथीलियम है उसमें भी स्क्वेमस, वो दो टाइप की है, क्रिटिनाइज नॉन क्रिटिनाइज। तो क्रिटिनाइज की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्रिटिनाइज होती है, उसमें क्रिटिन डिपॉजिट होता है, और उसके अंदर एग्जाम्पल में हमारी स्किन की एपिडर्मिस है, नेल्स हैं, हॉर्न्स हैं। और स्केल्स के अंदर देखें तो रेप्टाइल्स के जो स्केल्स हैं, क्योंकि वो एक्टोडर्मल होते हैं, फिश के जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल होते हैं, वो मेसोडर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो नॉन केरेटिनाइज की बात हुई है, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथीलियम, मतलब यहाँ पर केरेटिनाइजेशन की बात हुई नहीं है कि वो केरेटिनाइज है या नॉन केरेटिनाइज, यहाँ पर कंपाउंड स्क्वेमस दी है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर जो एपिथीलियम है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड कंपाउंड, मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड आपको पता है दो टाइप की सेल्स होती है, एक टॉल होती है और एक ड्वार्फ होती है, छोटी होती है, स्मॉल एंड टॉल। और इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी एक लेवल में नहीं है, लेकिन इसीलिए डाउट होता है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन एक कॉमन बेसमेंट में ये जो है वो जुड़ी हुई रहती है, जो इंडिकेट करता है कि ये सिंपल टाइप की एपिथीलियम होती है, और फ्री सरफेस पे सीलिया मौजूद होते हैं, और बीच बीच में कुछ सेल्स जो हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, तो ग्लैंडुलर भी हो गया, तो ये ट्रेकिया वाली हो गई। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर भी सिंपल टाइप की एपिथीलियम होती है, कंपाउंड नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर सिंपल कॉलमनर और ग्लैंडुलर टाइप की एपिथीलियम मौजूद होती है, तो ये भी नहीं होगा। फेरिक्स की बात करें तो फेरिक्स में जो है वो कंपाउंड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, ओरल कैविटी पूरी, फेरिक्स, ईसोफेगस, यहाँ पर इसी टाइप की एपिथीलियम मौजूद होती है। स्टमक की बात करें तो सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फेरिक्स, ठीक है। चले आगे। ओके, तो 97 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर टिश्यू से ही आपको पूछा हुआ है, और टिश्यू में भी यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पे ये क्वेश्चन आया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखें कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, फिर और देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, एपिथीलियम जो है वहाँ पर तो सेल्स के बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स काफ़ी कम हो जाती है। एरियोलर टिश्यू, बिल्कुल सही है, एरियोलर टिश्यू जिसको कहा गया है, इसमें सेल्स और जो फाइबर्स होते हैं इनके बीच में एरियोला होता है, और वहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसकी अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा होती है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, तो इन सब के कंपैरिजन में जो एरियोलर टिश्यू है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखें तो 98 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा कथन जो है वो नॉट करेक्ट, मतलब गलत है, ठीक है। तो देखें, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस। जो गॉबलेट सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और वो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है बॉडी की इनर लाइनिंग में, जिससे सब्सटेंस का जो पासेज है, उनका जो गुजरना है वो इजी हो जाता है, स्मूथ तरीके से। ये आपकी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाले पार्ट में भी है, और ये जो रेस्पिरेटरी पाथ है वहाँ पर भी होता है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर है ना, तो मतलब वो रेस्पिरेटरी पाथ है, तो वहाँ पर भी इस टाइप की सेल्स होती है, और इंटेस्टाइन के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। फिर एसिनी आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज एंड सीक्रेट एमिनोपेप्टिडेज। देखो, पैनक्रियाज जो है
वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है और उसका 99% पार्ट जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम से बनी हुई सिक्रेटरी यूनिट बनाता है, जिसको जो है वो एसिनस या गुच्छ कोष्ठक कहते हैं। और ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट। इनके बीच बीच में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और वो जो है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है, तो 1% होता है। तो ये देखें कि ये जो है क्या रिलीज करता है, तो इसके अंदर पैनक्रीटिक जूस ये रिलीज करता है, और पैनक्रीटिक जूस जो है वो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, न्यूक्लिएज प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर बाइकार्ब वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग देखें कि इसमें जो प्रोटीज है वो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये प्रेजेंट होते हैं। एमिनो पेप्टिडेज इसमें नहीं होता है। एमिनो पेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज दोनों एक्सोपेप्टाइडेज है, जो प्रोटीन को एंड से कट करता है, या तो सी टर्मिनल से या एन टर्मिनल से। तो पेनक्रियाज जो एक्सोपेप्टिडेज रिलीज करता है वो कार्बोक्सी होता है, जो सी टर्मिनल से कट करता है। लेकिन हमारा जो सक्कस एंटेरिकस वाला जो कंपोजिशन है, या मैं कहूँ कि क्रिप्टोप्लेबर कुवन है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिस एक्सोपेप्टिडेज को रिलीज करता है, वो एमिनो पेप्टिडेज होता है। तो यहाँ पर एमिनो पेप्टिडेज की जगह अगर ये होता कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाता। तो ये वाला गड़बड़ हो गया। फिर देखते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, बिल्कुल सही है। और ब्रूनर ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, कि ब्रूनर ग्लैंड की लोकेशन सब म्यूकोसा है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, तो म्यूकोसा का है। वो म्यूकोसा से ही मॉडिफाई होकर के सब म्यूकोसा में आई है, और उसकी जो डक्ट है वो क्रिप्टोप्लेबर कुवन में खुलती है, और इसका जो सिक्रेशन है वो म्यूकस है और बाइकार्बोनेट है, जो ड्यूडेनम की कवरिंग कर देता है इनर लाइनिंग को, और बाइकार्ब से जो ऊपर से कायम आता है उसकी पीएच को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। तो ये भी सही है। फिर इलियम इज हाईली कोल्ड पार्ट, बिल्कुल सही है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के लिए एनसीईआरटी लिखा है कि ये तो है सी सेप्ड, पुरानी एनसीईआरटी में यू सेप्ड हो सकता है, ये अपडेटेड है, ये याद रखना है। ये है लॉन्ग एंड कोल्ड, एनसीईआरटी ने जेजुनम के लिए लिखा है लॉन्ग एंड कोल्ड, और इलियम के लिए लिखा है कि लॉन्गेस्ट एंड हाईली कोल्ड, लॉन्गेस्ट एंड हाईली कोल्ड, हालांकि लॉन्गेस्ट यूज नहीं किया है, हाईली कोल्ड लिखा है। तो ये चीज़ याद रखनी, हो सकता है जेजुनम और इलियम में दोनों को उल्टा कर दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि लॉन्ग और कोल्ड कौन सी है और लॉन्गेस्ट एंड हाईली कोल्ड कौन सी है। तो क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, और गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड। ठीक है, चलो 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी जो अपना डिस्कशन हुआ था, क्रिप्टोप्लेबर कुवन जो दो विलस जो है उनके बीच में प्रेजेंट होती है ना, क्रिप्टोप्लेबर कुवन, जैसे ये वाला पार्ट जो है वो म्यूकोसा है, और ये वाला पार्ट क्या है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में जो ब्रूनर ग्लैंड बताए थे ना, ब्रूनर ग्लैंड, उसकी डक्ट यहाँ पर ओपन होती है। तो देखें कि विच सेल्स ऑफ क्रिप्टोप्लेबर कुवन इज रिलेटेड विद सिक्रेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर परफोरेशन कर देता है, और ये लाइसो एंजाइम जो है वो हमारी सलाइवा के अंदर भी मौजूद होता है। तो दोनों को रिलेट करके आपको याद रखना है। तो लाइसोजाइम को रिलीज करने वाली जो सेल है वो हो जाएगी पेनिसिल। पेनिसिल जो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम को रिलीज करता है। पेप्टिक सेल, पेराइटल सेल, ये स्टमक वाली है। अर्जेंटिफिल सेल जो होती है वो स्टमक में होती है, स्टमक में भी होती है और इंटेस्टाइन में भी, और ये हार्मोन वगैरह रिलीज करती है। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कौन सा, मतलब आंसर जो हो जाएगा पेनेट सेल। तो पेनेट सेल जो एंजाइम रिलीज करती है, ऐसा ही एंजाइम सेलाइवा भी रिलीज करती है। ठीक है, मतलब सेलाइवा के अंदर भी ऐसा एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, चलें आगे, आओ फिर। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ये अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन जो उनकी बात कर ली है, चार क्वेश्चन वहाँ से हो गए हैं, एक क्वेश्चन फिर कॉकरोच से हो गया है। ठीक है, फिर दो क्वेश्चन जो वो हिस्टोलॉजी से ले लिए हैं,
ओके अब जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसके अंदर हम लोग डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, मूवमेंट, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, 100 क्वेश्चन नंबर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है उसकी वजह से जो आपकी जो एल्वियोलाई है, उन एल्वियोलाई के बीच में जो एल्वियोलर सेप्टा है वो डैमेज हो जाता है, और उसके डैमेज होने से इसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इससे इनमें नॉर्मल अगर जब ये होते हैं गैसेज अंदर आती है तो ये एक्सपेंड होते हैं थोड़े से ऐसे, और फिर जब एक्सेलेशन होता है तो वापस नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है, तो इस दौरान इलास्टिक रिकॉइलिंग भी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। प्रत्यास्थता कम हो जाती है, इसलिए गैसेज जो अंदर आ तो जाती है लेकिन वापस बाहर की तरफ नहीं जा पाती है, समझ रहे हो। तो ये जो है वो होता है किसके अंदर, एम्फाइसीमा। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाला जो क्रॉनिक जो डिसऑर्डर हो गया आपका कौन सा, एम्फाइसीमा। चले आगे, चलो उम्मीद है सही किया होगा आप लोगों ने। 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देखें कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कॉलम वन और कॉलम टू जो है उसके क्वेश्चन को यहाँ पर हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है इसकी बात करते हैं। तो इसमें दोनों कॉलम को हमें मैच करना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वेंटिलेशन के बाद में ही जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दिए हैं और जो कैपेसिटीज दी हैं उन पे ये क्वेश्चन जो बना हुआ है। आपको पता है अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इन सब वॉल्यूम को जब जोड़ दिया जाता है तो जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है वो बनती हैं। जैसे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, टीवी और ईआरवी को जोड़ेंगे तो ईसी बनती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी और ईआरवी को जोड़ेंगे तो वीसी बनती है। आरवी और आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर जोड़ दिया जाए तो इससे एफआरसी बनती है, और सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल लंग्स कैपेसिटी बनती है, ठीक है। तो इन सब पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे एक तरफ दिया वाइटल कैपेसिटी वीसी, तो आपको पता है कि जो वीसी है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनका टोटल होता है, और इनका टोटल जो है वो लगभग कितना आ जाता है, 3500 से 4500 ml। आप लोग देखें कि जो ईआरवी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2500 से 3000, 2500 से 3000 तक। टीवी की वैल्यू क्या है, 500, और ईआरवी की वैल्यू क्या है, मिनिमम तो है 1000 और मैक्सिमम है 1100। तो मिनिमम जोड़ लो 3 and 4, और मैक्सिमम जो है वो 4600। तो आप लोग देखें कि इसके आसपास ये वैल्यू लाई कर रही है ना भाई, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है ये। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी जो है आप लोग जानते हो कि इसी जो है वो हो जाएगा टीवी प्लस ईआरवी। टीवी है 500 और ये कितना है, 1000 से लेके 1100 तक, तो ये हो जाएगा आपका 1500 से 1600, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा, ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये वाला। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी की अगर हम लोग बात करें तो आईसी टीवी प्लस आईआरवी हो जाएगा, और टीवी और आईआरवी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये वैल्यू जो वो हमारी आ जाएगी 3000 से 3500। देखो 500 ये हो गया और 2500 से लेकर के 3000 के लगभग ये हो गया, तो मिनिमम तो हो गया 3000 और मैक्सिमम हो गया 3500। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये
1000 से 1100 ml. तो आप लोग देखें कि ए का थर्ड इन सब में आ रहा है, बी का फोर यहाँ पे भी है, सी जो है उसका सेकंड, सी का सेकंड यहाँ पे भी है, तो आपका ये बैठ रहा है आंसर. और डी जो है उसका वन हो जाएगा, डी का वन ये रहा, तो आंसर जाना चाहिए थर्ड. एक बार दोबारा देख लो, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड एंड डी का जो है वो वन, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 102. तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके अंदर पूछ रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर एओर्टा के अंदर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो कब होगा. ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, है ना. तो आप लोग देखिए कि एओर्टा की बात यहाँ पर हो रही है और आपका जो हर्ट है उसमें जो सिस्टेमिक हर्ट वाला पार्ट है, आप जब लोग जानते हो सिस्टेमिक हर्ट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो ब्लड है वो एओर्टा में मूव करता है, समझ रहे हो. तो आंसर क्या जाना चाहिए, सिस्टोल इन लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय में प्रकुंचन. तो ऐसा ऑप्शन देखो, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखो बाएं निलय के प्रकुंचन के दौरान जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा और उसको अपन लोग नॉर्मली 120 mm मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेते हैं ना, और यही अगर बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायस्टोल में होगा अनुशीतलन अवस्था में, तब प्रेशर जो है वो कितना होगा, 80 mm Hg. ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड. चले आगे. ओके, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके अंदर कार्डियक आउटपुट जो है उसकी बात की गई है, और आप लोग जानते हो कि एक मिनट में आपका जो हर्ट है उससे कितना ब्लड पंप हो रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से. स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका है जिसमें पर कार्डियक साइकिल या पर हर्ट बीट 70 ml जो ब्लड है वो पंप होता है, और जो कार्डियक साइकिल है वो कितने हैं, 72 पर मिनट, है ना. और आपको पता है इससे आपको कार्डियक आउटपुट जो है उसका पता लग जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका जो इसकी नंबरिंग है. तो इससे आप लोग जब ये वैल्यू रखोगे 70 × 72 वाली, तो ये लगभग 5 लीटर या 5040 ml के आसपास आपका आ जाएगा एक साइड का, दोनों साइड के अंदर फिर इंटू टू हो जाएगा. ठीक है, चले आगे. तो ये लीटर में पूछ रहा है. अगला जो क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सक्रिटरी सिस्टम पे आपको पूछा हुआ है, और नेफ्रॉन के अंदर आप लोग जानते हो कि जो लूपोपेनले है उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला कौन सा है, असेंडिंग लिम्ब. तो डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट जो है ये वाटर जो है उसके लिए परमिएबल है, लेकिन ये सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उनके लिए इम्परमिएबल है. ये वाला असेंडिंग लिम्ब वाटर जो है उसके लिए इम्परमिएबल है, और जो सोडियम और क्लोराइड वगैरह है उनके लिए परमिएबल होता है. तो ऐसा ही ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब के लिए, तो देखें कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है असेंडिंग वाला पार्ट. फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, नहीं, वाटर के लिए परमिएबल होता है, ये भी गलत हो गया. फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए इम्परमिएबल है, तो ये भी गलत हो गया. फिर देखें असेंडिंग लिम्ब ये वाला ऑफ लूपोपेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके लिए क्या होता है, परमिएबल. तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी इसको कहते हैं, और ये यूरिन जो है उसको कंसंट्रेट करता है, अगर इसको हटा दिया जाए तो इसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिटियम में जो हायर ऑस्मोलरिटी बनी है वो वास आउट हो जाएगी, और इससे आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है,
हालांकि सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इसी पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105 अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही है और डिसऑर्डर पे आपको यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन ऑप्शन भी मिलेंगे। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कि कॉलम वन और कॉलम टू जो है उसको मैच करते हैं। रिनल कैलकुली वृक्कीय पथरी, तो इसके लिए एनसीईआरटी लिखा है कि ये है मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, है ना, वृक्क में क्रिस्टलीकृत लवणों के पिंड है ये, ऑक्सलेट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर गाउट जो है वो यूरिक एसिड का डिफेक्टिव जो मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से होता है, जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो मैलपिगियन जो कॉर्पल्स या बॉडी वाला जो पार्ट है जो वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके बनाता है वहाँ पर होता है। तो मैलपिगियन कॉर्पल्स हो गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रेशर डिपेंडेंट और पैसिव प्रोसेस होती है। फिर कंसनट्रेशन जो यूरिन की बिल्डअप होती है वो हेनले के लूप की वजह से होती है। तो आप लोग देखें कि ए के अंदर क्या होना चाहिए 4, बी गाउट के लिए क्या होना चाहिए 3, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए 2, और कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए हो जाएगा 1। तो 4th, 3rd, 2nd, और D का 1st। तो आंसर हो जाएगा आपका 105 के अंदर 2nd। तो 105 है उसके अंदर आपका आंसर 2nd हो जाएगा, ठीक है। चले आगे 106, ये मूवमेंट लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जॉइंट से आपको ये पूछा हुआ है। तो जॉइंट्स आपको पता है 3 टाइप के जॉइंट्स हैं। परफेक्ट जॉइंट जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, जो फाइबर्स प्रकार के होते हैं जैसे हमारी स्कल के सूचर है ना, क्रैनियल बोन में। फिर दूसरा जो है वो उसमें स्लाइटली कुछ मूवमेंट हो सकता है, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होता है। और थर्ड वन जो है वो साइनोवियल जॉइंट है जिसमें फ्रीली मूवेबल टाइप का कह सकते हैं, जिसके अंदर कई एक्सेस के अंदर मूवमेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमें जो पूछा कि जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस, ये फर्स्ट और ये सेकेंड वर्टिब्रा है और इनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो पाइवोट जॉइंट्स होता है, और उसमें भी अगर हम लोग देखें तो पाइवोट जॉइंट कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट होता है ये। फाइब्रस जॉइंट फर्स्ट कैटेगरी है, कार्टिलेजिनस सेकेंड कैटेगरी है, लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट है वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। जो एक्सिस वाली जो है बोन उसमें एक ये ओडोन्टोइड पैग होता है और ये जो एटलस है उसके अंदर सेट हो जाता है इसे। तो ये पाइवोट टाइप का जॉइंट है और पाइवोट में भी मतलब साइनोवियल का टाइप है पाइवोट। अब पाइवोट तो इसमें दिया नहीं है तो आंसर चला जाएगा साइनोवियल। साइनोवियल जो है उसी का एक टाइप सैडल जॉइंट भी है, लेकिन सैडल जॉइंट जो वो कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब वाला है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3rd। चले आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखते हैं। ये जो है वो मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है और सार्कोमियर वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड। आपको पता है कि सार्कोमियर में 2 जेड लाइन होती है और थिन फिलामेंट, फिर थिक फिलामेंट, सॉरी इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, जेड लाइन, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। आपको पता है ये वाला पार्ट जो वो थिक फिलामेंट का हो गया। थिक फिलामेंट मायोसिन, इसके दोनों एंड फ्री हैं और थिन फिलामेंट का एक एंड जेड लाइन से जुड़ा है और एक एंड फ्री है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि द एच जोन इन स्केल्टन मसल, ये वाला भाग देखो, ये वाला जो भाग है इसी को बोला गया एच जोन। तो द एच जोन इन स्केल्टन मसल फाइबर इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से, तो देखें कि द सेंट्रल, अब आप लोग देखें कि ये जो जेड लाइन है इसकी तरफ, इस तरफ भी जो थिन फिलामेंट होते हैं और ये वाला जो बैंड है इसको बोलते हैं आई बैंड, और ये जो यहाँ पर बैंड बनता है इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलेंगे, ए बैंड,
तो जो सार्कोमियर वाला पार्ट है वो दो जेड लाइन जो है उनके बीच में होता है, एक जेड लाइन ये हो गई और एक जेड लाइन जो है वो यहाँ पर ये हो गई है। तो दो जेड लाइन के बीच में ये पूरा सार्कोमियर है, ये पूरा सार्कोमियर है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है और ये एच जोन है। तो आप लोग देखें कि द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन आई बैंड, आई बैंड तो ये है, उसमें कहाँ पे मायोसिन है, आई बैंड में मायोसिन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट इन आई बैंड, आई बैंड ये है और आई बैंड में जो ये एक्टिन फिलामेंट है इनके बीच में कोई भी सेंट्रल गैप होता ही नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर देखें द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट है और इसके लिए लिखा कि द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू एक्टिन फिलामेंट इन ए बैंड, नहीं, जो ए बैंड है उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के थ्रू एक्सटेंड हो रही है, न कि मायोसिन एक्टिन के थ्रू, तो ये वाली लाइन गलत हो गई। फिर देखें द सेंट्रल गैप बिटवीन आई बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, ये देखो कि ये एक्टिन फिलामेंट है ब्लू कलर वाले, ये एक्टिन फिलामेंट और ये एक्टिन फिलामेंट, इन एक्टिन फिलामेंट के बीच के अंदर ये सेंट्रल गैप है, ये देखो ये वाला, इनके बीच में ये सेंट्रल गैप है और ये एक्टिन फिलामेंट किसके थ्रू एक्सटेंड हो रहे हैं, मायोसिन के थ्रू। तो द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, ये मायोसिन फिलामेंट के थ्रू एक्सटेंड हो रहे हैं इस तरीके से, और जो एच जोन है वो ए बैंड के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर के फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश क्या होता है, एच जोन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चले आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 108 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है उससे लिया हुआ है और उसमें भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने रिसेप्टर से लिया है, आई से रिलेटेड है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सही को। तो देखें कि रोडोप्सिन इज अ पर्पलिस रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन बोथ रोड एंड कॉर्न, बोथ की वजह से गलत हो गया क्योंकि कॉर्न में नहीं होता, ये केवल रोड में होता है, और कॉर्न के अंदर आयोडोप्सिन होता है और रोड के अंदर रोडोप्सिन होता है, तो ये वाला जो है तो गलत हो गया। फिर रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल सही है क्योंकि जो रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन होते हैं उसके अंदर प्रोटीन पार्ट ऑप्सिन होता है और रेटिनल पार्ट जो है वो विटामिन ए का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, यही करेक्ट होना चाहिए, फिर बाकी के दो गलत होने चाहिए। तो बाकी के दो गलत हैं या नहीं चेक कर लो, कि इन द रेटिना द रोड हैव फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन वाइल कॉन हैव टू डिफरेंट फोटो पिगमेंट, नहीं टू की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री, एरिथ्रोलेब, साइनोलेब, क्लोरोलेब, है ना, रेड ग्रीन और ब्लू के लिए तीनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये वाला रोंग हो गया दो की वजह से। फिर ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली फ्यू रोड, नहीं, ब्लाइंड स्पॉट पे न तो रोड होती है और न ही कॉन होती है, येलो स्पॉट पे जो मैक्यूला ल्यूटिया वाला पार्ट है उस पर केवल कॉन होती है, तो ये वाला भी यहाँ पर रोंग हो गया, सही पूछ रहे हैं, सही आपका यहाँ पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, 109 क्वेश्चन नंबर जो है किससे पूछा हुआ है, अगेन नर्वस सिस्टम से ही ये क्वेश्चन लिया हुआ है और ब्रेन से रिलेटेड पार्ट है। देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, ब्रेन का एक भाग जिसको उसके फंक्शन से गलत रूप से मिलाया हुआ है, यानी तीन सही हैं और एक गलत है, तो गलत जो उसको देखना है। तो देखें मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला वाला जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन स्टेम में भी आता है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला को लिया हुआ है, और मेडुला जो है उसके अंदर हमारे शरीर के जो विसरल ऑर्गन है उनसे रिलेटेड कई रिफ्लेक्स सेंटर मौजूद हैं, हार्ट से रिलेटेड और लंग्स से रिलेटेड, है ना, और अगर मेडुला वाला पार्ट डैमेज हो जाए तो इससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो कंट्रोल कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है, ये कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, यहाँ पर कार्डियो एक्साइटेटरी
और कार्डियो इनहिबिटरी दोनों टाइप के सेंटर जो पाए जाते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और हार्ट की एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं। हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला जो सेंटर है वहाँ से वो कनेक्टेड होता है सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन से, जो ऐसे नोड पे जाकर के एपिनेफ्रिन रिलीज करती है जिससे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, और इनहिबिटरी सेंटर से वैगस नर्व और पैरासिंपैथेटिक नर्व निकलती है जो ACH को रिलीज करती है ऐसे नोड पे जिससे हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये वाला तो सही है। कॉर्पस कैलोसम जो है वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाला एक नर्व ट्रैक्ट है, ठीक है ना, माइलिनेटेड होता है ये। ओके, तो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी सही है ना। फिर सेरेबेलम, ये सेरेबेलम जो है आप लोग देखें कि अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो ये देखो ये साइड व्यू है, ये सेरेबेलम वाला पार्ट है, ये पॉन्स, ये मेडुला, ये जो है ये मिड ब्रेन हो जाएगा, है ना, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेरेबेलम की बात हो रही है, तो सेरेबेलम टेस्ट सेंसेशन से रिलेटेड नहीं है, टेस्ट सेंसेशन जो है उससे रिलेटेड आपका जो सेरेब्रम है उसकी जो हेमिस, उसकी जो लॉब होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये वाला जो यहाँ पर गलत हो गया, सेरेबेलम तो आपकी जो मसल की, मसल का जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको कोऑर्डिनेट कराता है, हमारे बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड होता है। फिर थैलेमस जो है, थैलेमस वाला जो पार्ट है अगर उसकी हम लोग बात करें तो देखें कि ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, मेडुला, ये सेरेबेलम। तो देखें कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें ये वाला पार्ट थैलेमस का है, ये दोनों तरफ थैलेमस है, इन थैलेमस के बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है और ये हैंड ब्रेन वाला पार्ट है। तो ये जो दोनों थैलेमस है अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन्हीं से होकर के नर्व ट्रैक्ट भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो देखें कि कोऑर्डिनेट सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जितने भी सेंसरी सिग्नल ऊपर जाते हैं इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो थैलेमस से होके ही जाते हैं, और जितने मोटर आप वाले आते हैं वो भी थैलेमस से होके ही आते हैं। तो थैलेमस को जो रिले स्टेशन कहा गया है, ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पर जो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमें, इनकरेक्टली मेज्ड पूछ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एंडोक्राइन से आपको पूछा हुआ, केमिकल कंट्रोल वाला है। तो देखें, आइडेंटिफाई द हॉर्मोन विद इट्स इनकरेक्टली मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन, तीन जो हैं उनके सोर्स, उन हार्मोन के सोर्स और फंक्शन करेक्टली मेज्ड है, एक वाला गड़बड़ है। तो देखें, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है रास को अपोज करेगा, रास सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जिससे बीपी कम होता है, जिससे GFR कम हो जाती है। लेकिन जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बीपी बढ़ जाता है, और ऐसे में GFR बढ़ जाती है, तो आपका हार्ट का जो ओरिकल वाला पार्ट है वो ANF को रिलीज करता है, और वो रास को अपोज करता है, रेनिन के सेक्रेशन को कम कर देता है, और ये वेसो डायलेटर है, एंजियोटेंसिन सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ADH वेसोप्रेशन वो भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो रास के अंदर वर्क करते हैं। तो देखें कि ANF के लिए एट्रियल वॉल से रिलीज होता है, और ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि ये वेसो डायलेटर है, वेसो डायलेटर है, ठीक है। चलो, ऑक्सीटोसिन पॉस्टीरियर पिट्यूटरी से हालांकि वहाँ पे स्टोर रहता है, वहाँ से रिलीज होता है, हालांकि इसका सोर्स की अगर बात करें तो वो हाइपोथैलेमस है, और ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ से रिलेट कर रखा है, नहीं, ऑक्सीटोसिन जो है वो तो मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन है, समझ रहे हो, वो जो मेमरी एल्वियोलाई है उनकी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराता है, जिससे वहाँ पर भरा हुआ मिल्क बाहर की तरफ रिलीज होता है। इसके अलावा इसको चाइल्ड बर्थ हॉर्मोन भी कहते हैं, ये जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की उसमें कॉन्ट्रेक्शन कराता है, जिससे बेबी के बर्थ में भी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था, वो इनकरेक्ट ये हो गया, बाकी के करेक्ट होने चाहिए। तो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड ओवरी की वो इसको बनाती है, और ये मिल्क के सिक्रेशन से रिलेटेड है। देखो कि जो मेमरी एल्वियोलाई है
वहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन देखें तो वो प्रोलैक्टिन है। फॉर्मेशन के बाद में आप लोग देखें एल्यूलाई जो है उनकी सेल्स में मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फॉर्मेशन के बाद में मिल्क के जो कंपोनेंट हैं उनका उन सेल से इस ल्यूमेन में आना, ये मिल्क का सिक्रेशन है जिसको प्रोजेस्टेरोन प्रमोट करता है, और इस मिल्क के फिर डक्ट से बाहर निकलना वो मिल्क का इजेक्शन है, उसको ऑक्सीटोसिन प्रमोट करता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो मेमरी डक्ट को बनाता है, प्रोजेस्टेरोन मेमरी एल्यूलाई को बनाता है, और बाद में जब प्रेगनेंसी होती है चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो मिल्क के सिक्रेशन को भी प्रमोट करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन प्रमोट करता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क का बॉडी से बाहर इजेक्शन जो है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये वाला सही होना चाहिए। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, डे नाइट साइकिल को, और इसके अलावा एनसीईआरटी लिखा है कि ये मेटाबॉलिज्म और पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड। चले आगे, ट्रिपल वन 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 की बात करते हैं, फिर से एंडोक्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एंडोक्राइन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेट करके पूछा हुआ है, तो FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल, ओके, विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल सही है कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो है उससे मोटाइल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, और इसके लिए एनसीईआरटी लिखा है कि ये कुछ सर्टेन फैक्टर रिलीज करती है, वो फैक्टर ऐसा जो है प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल, और इससे सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगी, सर्टेन फैक्टर, और वो फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। फिर देखें, इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसल सेल इन ओवरी, बिल्कुल सही है, एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH, ये भी सही है कि जो इनहिबिन है वो ग्रेनुलोसल सेल्स होती है फॉलिकल्स की, वो रिलीज करती है, और ये FSH का जो रिलीज होना है उसको जो है वो इनहिबिट करता है। फिर एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल सही है, एमनियोसेंटेसिस जो है उसके अंदर जो बेबी है और उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूड है उस फ्लूड के अंदर डेड सेल्स होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है, और उन डेड सेल जो हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका, और अगर उनमें कोई अबनॉर्मलिटीज होती है तो उससे किसी सिंड्रोम या अदर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लग जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर देखें, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो कि फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होता है वो ओवरी के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और ओवरी में फिर मियोसिस सेकेंड भी स्टार्ट हो जाता है, और वो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड हो जाता है, और इसी फॉर्म में सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ओवुलेट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जब एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का एक के साथ फ्यूजन के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले जो है आप लोग देखें कि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, मतलब मियोटिक डिवीजन सेकेंड रिज्यूम होकर कंप्लीट हो जाता है, और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे रहा है, नहीं, इसकी जगह क्या आना चाहिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना, ये इसीलिए जो गलत हो गया, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर। ठीक है, चले आगे, 112 की बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको पूछा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर STD जो है उनसे ये क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ, ठीक है, तो मैच करना है। तो देखें, ट्राइकोमोनियसिस, ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से रिलेटेड है, टी का मतलब है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। फिर जेनेटल वार्ड जो हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की वजह से होता है। क्लेमाइडियसिस जो है वो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से होता है, और सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा से रिलेटेड आपका हो गया। तो आप लोग देखें, ए का थर्ड, बी का फोर, तो इन दो में देखें, और सी का सेकंड यानी ये यहाँ पे जा रहा है, और डी का वन, तो आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है,
113 की बात करते हैं, तो 113 के अंदर आप लोग देखें कि ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही आपको पूछा हुआ है। तो करेक्ट वन फॉर कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म जो है उसकी सरफेस पे, उसके हेड पे कुछ डीकैपिटुलेशन वाले फैक्टर को हटाया जाता है, मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल वगैरह हट जाते हैं जिससे स्पर्म की जो मोर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, और एक को पेनिट्रेट करने की उसमें जो पावर है वो डेवलप होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ओवम से रिलेटेड नहीं है, ये स्पर्म से रिलेटेड है, तो जो भी ओवम दिया वो उसको हटा दे। और चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन एपिडिडाइमिस नहीं, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर होता है। तो चेंजेज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 की बात करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने उतने ही नंबर यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट की बात हुई है, फीमेल सॉरी मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, तो आपको पता है वहाँ पर जो लॉब्यूल है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, उन ट्यूबुल्स जो हैं उनके अंदर ट्यूबली रेक्टी है, रेटिटेस्टिस, वासाइफरेंसिया, एपिडिडाइमिस है ना, और फिर वहाँ से वास डिफरेंस जो है वो फिर एम्पुला वाला पार्ट बनाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल की डक्ट के साथ मिलकर के इजेकुलेटरी डक्ट, और फिर वो यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है। तो देखें कि टेस्टिस से वासा इफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर रेटिटेस्टिस इससे पहले आना था तो गलत हो गया, टेस्टिस, वास इफरेंसिया, इनविनल कैनाल को इससे लेट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, और रेटिटेस्टिस जो है वो भी इसके बाद दे रखा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फिर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है ये रही, वासा इफरेंसिया ये रही, एपिडिडाइमिस ये रहा, और यूरिथ्रा तो लास्ट में है और उससे पहले इजेकुलेटरी डक्ट होती, तो ये भी गलत हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, रेटिटेस्टिस ये रहा, वासा इफरेंसिया ये रही, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस के बाद में ये रही, इजेकुलेटरी डक्ट ये रही, और फिर ये यूरिथ्रा, तो आपका परफेक्ट जो ऑर्डर है वो फोर्थ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 115 जो है उसकी बात करते हैं, तो देखें कि कोरियोन की बात हुई, और जो कोरियोन है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उसके रिगार्डिंग है। जो कोरियोन है अगर उसकी बात करें तो कोरियोन जो बाहर की तरफ वाला जो पार्ट है कोरियोन का वो ट्रोफोब्लास्ट से बना हुआ है, और ये एक्टो होता है, इसका आउटर वाला पार्ट एक्टो होता है, और इसका जो इनर वाला पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मिजोडम है उसका बना होता है, तो ये है मिजो। तो कोरियोन के लिए जो है आपका हो जाएगा एक्टोडर्म और मिजोडम, मिजो और ट्रोफो दे रखा गलत हो गया, एंडो तो हो गई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, और इसमें बाहर से एक्टो होगा और अंदर से मिजो होगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। 116 जो है देख लेते हैं, और ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और आपको देखें कि इसमें पूछा हुआ है कि सॉरी 116 वाला जो पार्ट है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखें कि जेनेटिक्स के अंदर ये वाला जो ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखें कि इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर ब्लड ग्रुप भी नहीं है, ये ऑटोइम्यून ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव इसकी बात हो रही है, कि अगर दोनों पेरेंट्स जो इसके लिए कैरियर है तो मान लो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, थैलेसीमिया को टी से रिलेट कर लेते हैं, तो इनसे बनने वाले गेमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये मेल पेरेंट है और ये वाली फीमेल पेरेंट है, तो देख लें
कैपिटल टी नॉर्मल, कैपिटल टी स्मॉल टी नॉर्मल लेकिन कैरियर, कैपिटल टी स्मॉल टी नॉर्मल लेकिन कैरियर, और ये देखो स्मॉल टी डिजीज्ड हो जाएगा, इसमें थैलेसीमिया हो जाएगा, और ये है 1/4, 25% प्रोजेनी में थैलेसीमिया है, और आप लोग देखें 3/4 यानी 75% जो नॉर्मल है। तो देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन नॉर्मल चाइल्ड, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, और यही अगर डिजीज्ड पूछता तो हो जाता आंसर फर्स्ट। ठीक है, 117 जो उसकी बात करते हैं, तो देखें ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, कि जो मैन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए या आई ए स्मॉल आई। ठीक है, मैरिज विद ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए बी, तो जो वुमेन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए एंड आई बी। तो अब देखें कि इनके बच्चों में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, तो देखें कि अगर ये होता जीनोटाइप, अगर ये है तो इधर से ए और इधर से ए, यानी एक तो ब्लड ग्रुप बनता ए, एक बनता बी, अगर ये होता तो ए और ए बी ले लिया हम लोगों ने, ए एंड ए बी, और अगर ये होता तो ए बन गया ए बी बन गया, वो तो आ गया, लेकिन अगर ये बच जाता आई ए स्मॉल आई ए बन गया और स्मॉल आई एंड जो बी है तो एक बन गया यहाँ पर क्या, बी, तो अगर स्मॉल आई बी के साथ जाता तो बन गया बी। तो क्या क्या चांसेस हैं, ए के चांस हैं, ए बी के चांस हैं और बी के चांस हैं, तो आंसर हो जाएगा ए बी एंड ए बी ओनली। ओ के तो चांस होंगे ही नहीं ना, ओ के लिए तो स्मॉल आई होना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 118। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ है। तो देखें कि डोमिनेंस प्रभाविता, जिसमें हेटरोजाइगस कंडीशन में केवल एक जो एलील होगा वो अपनी अभिव्यक्ति देगा, वो एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। तो देखें इन हेटरोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील एक्सप्रेस इट्सेल्फ, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, फिर प्लियोट्रॉफी, जिसमें एक सिंगल जीन जो है उसके कई फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं, तो ऐसा देखें ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हेटेरोगेमेटिक मेल होता है और मेल के 50% स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, और जो मेल है उसमें फीमेल के कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम कम होता है, और ये एनसीईआरटी ने ग्रास हॉपर के लिए बात की है, तो सी का हो जाएगा सेकंड। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें एक करेक्टर को कई जीन कंट्रोल करते हैं और ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है नॉन मेंडेलियन, तो यहाँ पर मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल करेक्टर, जैसे हमारी हाइट है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी स्किन का कलर है, ये सब। तो देखें ए का 4, ए का 4, बी का थर्ड, सी का टू एंड डी का वन, तो आंसर हो जाएगा इसका 118 का 3। ठीक है, चले आगे आओ, तो 119 अगेन जेनेटिक से ही आपको पूछा हुआ है और कुछ डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और देख लेते हैं क्या है, कि सेलेक्ट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो वो देखना है। ओके, तो देखें सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ये कब होगा, जब ऑटोसोम पे मौजूद जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा और वो वर्क नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर फिनाइल कीटोन यूरिया PKU इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑटोसोम पर मौजूद जीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म में, इसलिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं पाता है। डाउन सिंड्रोम इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, नहीं,
डाउन सिंड्रोम जो है वो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये है ना। एन्यूप्लॉयडी का है, ये ट्राइजोमी के अंदर आता है, 21 जो क्रोमोसोम उसकी ट्राइजोमी हो जाती है। एलिल्स आर डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, बिल्कुल सही है, एलिल जो है वो एक ही जीन की डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म हो सकती है, लेकिन मेनली कब, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन सही तो है ही। ओके, तो बी और करेक्ट पूछ रहा है, तो बी और डी, बी एंड डी आर करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। तो इसमें हमें ट्राइजोमी जो है उसके लिए ऑड वन जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखें कि ये जो है क्रोमोसोम में जो न्यूमेरिकल चेंज है, नंबर में जो चेंज है उसकी वजह से होता है, और ये जो है एनाफेज वन के दौरान जब नॉन डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का, उस वजह से जो है इस प्रकार की डिजीज होती है, और ये एन्यूप्लॉयडी जो है उसके अंदर है ये है। देखें कि जैसे ये कोई सेल है डिप्लॉयड 2n, इसके अंदर 6 क्रोमोसोम है, तो अगर इसके अंदर एनाफेज के दौरान, ये देखो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, तो जैसे यहाँ पर इसका नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो इस तरीके से दो टाइप के गैमेट्स जो बनते हैं, जिसमें एक तो होगा इस तरीके से n+1, इसके अंदर ये जो थर्ड वाला है ये होमोलोगस की फॉर्म में है, और एक जो होगा उसमें एक होगा ही नहीं, तो ये हो गया n-1। इस तरीके से इस टाइप के गैमेट्स के फ्यूज़न की वजह से अलग अलग टाइप की एन्यूप्लॉयडी जो वो क्रिएट होती है, जो हाइपो भी हो सकती है। हाइपो में जो है जैसे ये वाली कंडीशन है कि n-1 और n का फ्यूज़न हो तो 2n-1, तो ये मोनोजोमी वाली कंडीशन है, वो हाइपर भी हो सकती है, जिसमें अगर इसका फ्यूज़न हो n के साथ तो n+1, तो ये हो जाएगा 2n+1, तो ये ट्राइजोमी हो गई, इस टाइप की मोनोजोमी हो जाती है। तो देखें कि एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये ट्राइजोमी का एग्जांपल है, और इसमें 18वां जो क्रोमोजोम है उसको डबल हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर पे जो क्रोमोजोम है उसकी ट्राइजोमी होती है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो एक्स क्रोमोजोम है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 44+XXY वाली कंडीशन, है ना। मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसके अंदर एक्स क्रोमोजोम की ट्राइजोमी है, एक्स डबल हो गया तो इसके अंदर एक बार बॉडी हो जाता है। लेकिन ये देखें टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी का एग्जांपल है। जैसे हम लोग देखें कि 22+X, या मैं कहूँ कि ओनली जैसे 22 क्रोमोजोम वो आ गए, और जो ऑटोसोम है वो अब्सेंट है, तो ओनली 22, और इसका फ्यूज़न जो है वो मेल गेमेट 22+X के साथ हुआ, मान लो ये स्पर्म है, ये एग है, ये हो गया 44+X ओनली, यानी दूसरा एक्स है ही नहीं, तो ये जो है वो मोनोजोमी का। तो ट्राइजोमी के अंदर ऑड वन कौन सा हो गया यहाँ पर, टर्नर, जो कि मोनोजोमी है। टर्नर फीमेल है और क्लाइनफेल्टर मेल होता है, और दोनों में ही स्टेरिलिटी होती है, ठीक है, चले आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 120 हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 जो है इसकी बात हम लोग करते हैं, तो ये जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग वाला, आपको पता है कि उसके अंदर जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है, इसको इक्विलिब्रियम पे जो पॉपुलेशन है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसा जेनेटिक एक टूल है जिससे साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्विंग है या नॉन इवॉल्विंग स्टेज में है। आप लोगों को पता है कि जो पी है वो डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी है, क्यू रिसेसिव एलील की फ्रिक्वेंसी है, और इन्हीं के जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए क्यू स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस जो होगा डोमिनेंट उसके लिए पी क्यू से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग देखें कि एक जीन है, जीन लोकस हैज टू एलील, एक क्रोमोजोम पर कोई लोकस है उस पर दो एलील है, जैसे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पी इज 0.6, यानी पी डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी है बी वाले के लिए, तो ये कितना दिया 0.6, तो आप यहाँ पर रिसेसिव एलील के लिए जो है
मतलब क्यू आपको पता लग गया, वन माइनस पी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, तो फिर क्या पूछें, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब पी स्क्वायर, यानी कैपिटल बी कैपिटल बी, तो पी स्क्वायर, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36। ठीक है, इसी तरीके से क्यू स्क्वायर भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर यानी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.16। और 2PQ हेट्रोजाइगस, तो 2.6 एंड 0.4, तो ये हो जाएगा 0.24 × 2 यानी 0.48। तो पी स्क्वायर तो 0.36, ये देखो 0.36 पी स्क्वायर में, यानी कैपिटल बी कैपिटल बी, होमोजाइगस डोमिनेंट। 2PQ हेट्रोजाइगस 0.48 एंड होमोजाइगस डोमिनेंट स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा 0.16। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, सेकेंड। ठीक है, सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसके लिए डोमिनेंट, एक मिनट रुको इसमें देख लेते हैं। सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट वन, अच्छा इनकरेक्ट देखना है किसके लिए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो होगा उसके अंदर एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज जो इवोल्व होती हैं, और कॉमन एंसेस्टर से जो ये स्पीशीज अलग अलग इवोल्व होती है S1 S2 S3, ये अलग अलग एनवायरनमेंट E1 E2 E3 के अंदर अडेप्ट होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनकी जो ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के कारण इनके जो फंक्शन है वो बदल जाते हैं, और डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो इसके अंदर आप लोग देखिए एग्जाम्पल में कि फोर लिम्ब ऑफ मेन बेट एंड चित्ता, इन सब के फोर लिम्ब जो हैं वो होमोलोगस के अंदर काउंट होते हैं, सही है। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कैट मैमल है, मेन मैमल है, चीता भी मैमल है, तो इवन ये तो एक ही जैसे क्लास के मेंबर हैं, लेकिन अगर हम लोग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की बात करें तो इनके ब्रेन भी आपस में क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। हर्ट ऑफ फ्रॉग मैन एंड चीता, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनकी हर्ट भी होमोलोजी शो करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस बेट और मेन की जो आई हैं वो होमोलोगस नहीं होती, तो ये ओडोवन हो गया। इसमें अगर ऑक्टोपस को हटा दें तो इनके अंदर जरूर होमोलोजी होती है, यहाँ पर होमोलोजी नहीं है, तो ओड वन था, तो ओड वन कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, 123 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर देख लें कि N123, एक मिनट रुके सेलेक्ट कर लेते हैं कलर। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन को एज ए एविडेंस मानते हुए जो है हमारी NCERT के अंदर इंडस्ट्रियल मिलनिज्म की बात हुई है, इसके अलावा जो माइक्रोब्स है उसमें ड्रग्स रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात हुई है, और इसके अलावा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की बात हुई है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक कोज के कारण नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल में रखा गया है, और इनको हम लोगों को डाइवर्जेंट सॉरी इनको हम लोगों को जो नेचुरल सिलेक्शन के टाइप हैं, जैसे एक दिया है स्टेबलाइजिंग, एक दिया है डायरेक्शनल, और एक दिया है डिसरप्टिव। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के अंदर NCERT में डिस्कशन हुए हैं, ये सब डायरेक्शनल टाइप के नेचुरल सिलेक्शन के पैटर्न के अंदर आते हैं, समझ रहे हो। तो देखें कि एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल मिलनिज्म, और इंडस्ट्रियल मिलनिज्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप लोग देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब पहले पॉल्यूशन नहीं था तो वाइट कलर के जो मौत थे वो ज़्यादा थे, बाद में जब पॉल्यूशन हुआ तो डार्क कलर के हो गए, वो लाइकेन के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग जानते हो, जब पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया तो वापस वाइट कलर के आ गए, यानी कोई भी वेरियंट कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हो रहा है, हाँ कोई एक वेरियंट जो उसका नंबर बढ़ रहा है, और पीक जो है इसका मतलब है ये यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन का जो टाइप है वो जो आप लोग देखें कि कोई एक वेरिएंट ज़्यादा हो रहा है
लेकिन वाइप आउट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें कि डायरेक्शनल सिलेक्शन एज इट पुश द मेन ऑफ द करेक्टर इन वन डायरेक्शन, इसमें करेक्टर की जो पीक है वो एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर परफेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है, डिसरप्टिव नहीं होगा, स्टेबलाइजिंग भी ये नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये बात हो गई हमारी इस इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म से रिलेटेड एग्जांपल पे। ओके चले आगे, 124 नंबर क्वेश्चन जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोग जानते हो कि प्रियर टू एप मैन था, फिर एप मैन और फिर ट्रू मॉडर्न मैन की बात हुई है। इसमें ऑर्डर की बात हम लोग करें तो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आपका इरेक्टस के बाद में नियंडरथल। हालांकि नियंडरथल जो है वो हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, क्रोमैग्नोन और फिर उससे हम लोग इवोल्व हुए थे, है ना। तो इसमें क्रैनियल कैपेसिटी के रिगार्डिंग ये जो है पूछा हुआ है, तो होमो नियंडरथेलेंसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए एनसीईआरटी ने जो क्रैनियल कैपेसिटी बताई है वो है 1400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो हैबिलिस के लिए 650 से 800, होमो इरेक्टस के लिए जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 900, और जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना उसके लिए 500 होती है, और होमो सेपियंस के लिए 1350। तो देखें कि ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का वन, बी का थर्ड, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड ये यहाँ पे है, और सी का वन और डी का फोर। तो आंसर क्या जानना चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट। ये पर दोबारा देख लेते हैं, ए का सेकंड, बी जो है उसमें थर्ड, सी में वन और डी का फोर, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट, उम्मीद है सब लोगों से ही किया होगा। ओके, अब डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी और वहाँ पर बताया था कि किसका नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा होता है, तो उन्होंने बताया कि सर्वाइव करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, जिनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन अच्छा माना जाता है। तो डार्विन फिटनेस जो है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, अल्टीमेटली द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो ज़्यादा संततियाँ पैदा करते हैं उनका नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा होता है। ये डार्विन फिटनेस है, इसको क्या बोला गया, डार्विन फिटनेस। जैसे कोई एंडोपेरासाइट है तो वो लार्ज नंबर में एक प्रोड्यूस करता है और वो एक बॉडी की फिशेज से बाहर आते हैं, जैसे एस्करिस है, टीनिया है, तो उन एक से जो लार्वा है उनको एक सेकेंडरी होस्ट में जाना होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर में एक प्रोड्यूस होते हैं तो कोई एक आधा तो जाएगा ना सेकेंडरी होस्ट में, और इससे उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो एंडोपेरासाइट है उनकी सबसे अच्छी फिटनेस, उनका सबसे अच्छा अडेप्टेशन जो है वो है हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 125 की बात हो गई है। 126 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, उसमें जो पैथोजन्स हैं उनको उनकी डिजीज से रिलेट करना है। तो देखें कि एड्स जो है वो एचआईवी से हो गया, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होने वाला है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और कॉमन कोल्ड जो वो राइनो से होता ही है ना, राइनो वायरस ग्रुप है ये। तो ए का सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, बी का थर्ड, सी का वन एंड डी का फोर, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, सिंपल था। 127 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन कैंसर से आपको जो है पूछा हुआ है, और कैंसर जो है उससे अगर रिलेटेड हम लोग बात करें तो हमारे कैंसर से रिलेटेड अगर देखें जीन की बात करें तो हमारी बॉडी में दो टाइप के जीन हैं। एक को तो बोलेंगे ट्यूमर सप्रेशर जीन, ये ट्यूमर को रोकता है, TSG। जैसे इसके अंदर एग्जांपल देखें तो वो है P53 जीन,
ये P53 प्रोटीन बनाता है। और इस ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन क्या है कि ये सेल डेथ को प्रमोट करता है, नेचुरल सेल डेथ अपोप्टोसिस को, ये डीएनए रिपेयरिंग को प्रमोट करता है, ये सेल साइकिल को इनहिबिट करता है, सेल साइकिल इनहिबिशन, है ना। यानी जब बिना जरूरत के सेल डिवीजन को नहीं होने देता है, और अगर डीएनए में म्यूटेशन है तो उसको रिपेयर करा देता है ना। तो ये P53 जीन, जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो सोचो अगर मान लो इसके अंदर हो जाए लॉस ऑफ फंक्शन, अगर इसके अंदर म्यूटेशन, और कैसा म्यूटेशन होगा, रिसेसिव म्यूटेशन, और रिसेसिव म्यूटेशन में डोमिनेंट जीन रिसेसिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और वर्क नहीं करता है, और अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसर। क्यों? क्योंकि ये सब एक्टिविटी होगी नहीं भाई। एक सेल जो है उसको फिक्स टाइम होता है, उसके बाद उसकी नेचुरल सेल डेथ होनी है, अपोप्टोसिस होना ही है उसमें। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उसको गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं, जो हमारे जीनोम की केयर करता है, और इसका डोमिनेंट फॉर्म में रहना ज़रूरी है, और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो कैंसर हो जाता है। और एक जीन और है जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, और प्रोटो ऑन्कोजीन के जो प्रोडक्ट हैं वो नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, नॉर्मल सेल फंक्शन और ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं। लेकिन अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर हो जाए डोमिनेंट म्यूटेशन, डोमिनेंट म्यूटेशन, तो डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से जो है इसके अंदर हो जाएगा गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन मतलब इसका फंक्शन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन किस में चेंज हो जाएगा, ऑन्कोजीन में, और इसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो इसमें म्यूटेशन से ये रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है, और इसमें म्यूटेशन से ये डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है, और ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो इसको भी रोक के रखता है, जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदलता नहीं है। जी समझ आई आपको? ओके, तो यहाँ पे देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो देखें कि म्यूटेशन एक्टिवेट टिलोमेरेज इनहिबिटर, गलत हो गया। म्यूटेशन जो है वो टिलोमेरेज इनहिबिटर को एक्टिवेट नहीं करता है, बल्कि डीएक्टिवेट करता है, जिससे जैसे टिलोमेरेज इनहिबिटर डीएक्टिवेट होगा तो कैंसर सेल के अंदर टिलोमेरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। और टिलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमोसोम होता है उसकी लेंथ कम होती है एंड से, तो वो टिलोमेरेज एंजाइम इसके टिलोमियर को वापस रिपेयर कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है तो एंड से जीन का लॉस होता है क्रोमोसोम के, और इसको हमारी जो सेल है वो उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि यूजफुल जीन का भी लॉस होने लगता है, और इसीलिए जो है नॉर्मल सेल जो है फिक्स डिवीजन के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें टिलोमेरेज नहीं है। लेकिन कैंसर सेल जो है उसके अंदर टिलोमेरेज एंजाइम उनके टिलोमियर को रिपेयर कर देता है, जिससे वो अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ करती रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये वाला जो रॉन्ग हो गए, और हमें क्या पूछ रहे हैं, ट्रू पूछ रहा है। फिर देखें म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही है कि म्यूटेशन की वजह से जो सेल कंट्रोल है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कि प्रोटो ऑन्कोजीन जो है उसमें म्यूटेशन हुआ, जिससे वो ऑन्कोजीन में चेंज हो गया, और ऑन्कोजीन में चेंज होते ही जो सेल साइकिल है वो अब रेगुलेट नहीं रह पाएगा। आपको याद होगा साइक्लिन एंड CDK वो अब नॉर्मल बनेंगे, और उससे सेल कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल बिल्कुल सही है। फिर म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टिलोमेरेज, नहीं, म्यूटेशन जो है वो प्रमोट करेगा टिलोमेरेज के प्रोडक्शन को, तो इनहिबिट की जगह क्या आना चाहिए, प्रमोट, ये तो बढ़ाएगा। फिर है म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन स्लो डाउन द सेल साइकिल, नहीं, जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होगा तो देखो गेन ऑफ फंक्शन, इससे तो ये जो म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन स्लो डाउन नहीं, इसको ये क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होते ही वो किस में चेंज होगा, ऑन्कोजीन में, और इससे बिना जरूरत के सेल डिवीजन जो होता रहेगा। बात समझ आई आपको? तो ये जीन से रिलेटेड बातें हैं जो आपको याद रखनी है, नीट में क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं,
और हमारी एनसीईआरटी में भी इनका डिस्कशन किया गया है। तो आपको दोनों जीन के बारे में याद रखना है, एक तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, एक प्रोटोंको जीन। इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन कैंसर हो जाएगा, इसमें गेन ऑफ फंक्शन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आओ 128 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखना है कि सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट विद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जो है उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये तो फाइलेरियसिस में होता है जिससे एलिफेंटियसिस रोग होता है। तो एस्केरिस नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, अमेबियसिस भी नहीं होगा। ये देखो एलिफेंटियसिस हाथी पांव रोग बोलते हैं, ये वुकेरिया बैंक ऑफ टाई की वजह से होता है। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखें कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन सीरम। हमारे ब्लड में जो मैक्सिमम है वो IgG है, ठीक है, और जो मिनिमम है वो है IgE। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, IgG, है ना। तो सीरम के अंदर ये जो मैक्सिमम, अगर ये पूछ ले कि बॉडी के जो सिक्रेशन में सलाइवा है, स्वेट है या अदर जो सिक्रेशन है उसमें मैक्सिमम कौन सा है, या मदर मिल्क में कौन सा है, अब आंसर देना था IgA। तो सीरम की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा IgG। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, प्योर लाइन की बात हो रही है और ये एनिमल हस्बेंड्री वाला जो अपना पार्ट है वहाँ पे बात हुई है। वहाँ पर ब्रिड जो है उसमें इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग में एक स्पीसीज की दो जो रिलेटेड ब्रिड हैं उसमें 4 से 6 जनरेशन के अंदर अंदर क्रॉस होता है ना, और उससे जो प्योर लाइन जो वो क्रिएट होती हैं। तो देखें, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रिड फॉर 4 to 6 जनरेशन, और आउटब्रीडिंग के अंदर जैसे आउट क्रॉस जो है उसके अंदर एक ब्रिड लेकिन 4 से 6 जनरेशन के बाद में क्रॉस ब्रिड, उसके अंदर डिफरेंट ब्रिड होता है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, उसमें डिफरेंट स्पीसीज होती है। ठीक है, तो प्योर लाइन जो है वो सेम ब्रिड 4 से 6 जनरेशन के अंदर अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सारे 130 तक के जो क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। आप लोगों ने अच्छे से किया होगा उम्मीद है, और इसी तरीके से आप लोग जो NCERT बेस्ड ही जो है टॉपिक्स को कवर करें, ज़्यादा इधर उधर की फालतू की बातें आपको बायो में नहीं पढ़नी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। लास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लो कि कुछ भी NCERT से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और अगर इस तरीके से आप लोग बायो को अगर कवर करोगे तो इजीली 350 आप लोग क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, मिले फिर आगे, ओके, बेस्ट ऑफ लक।